हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं चूड़धार महादेव के साथ महाशिवरात्रि बनाने, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं वहां की अनएक्सप्लोर्ड गुफाएं और बर्फ में हमने कितनी तबाही मचाई। उसके साथ में हम महादेव के दर्शन करवाने वाले हैं शिवरात्रि वाले दिन, और दिखाने वाले हैं हमने 12,000 फीट पे कैसे शिवरात्रि सेलिब्रेट करी, और अंततः हम गुफाओं में कैसे सोए। और चलो चलते इस जर्नी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं उस प्लेस पे जो मेरे दिल के सबसे पास है। मेरे बहुत सारे कैलाश करे हैं, केदार करे हैं, बट ये प्लेस है जिस प्लेस से मेरी जिंदगी बदली है। हम जा रहे हैं चूड़धार। हमारी डे वन की जर्नी शुरू होती है दिल्ली से लेके शिमला तक। मैं जा रहा हूँ फकीर बंदा लिफ्टों पे, और मेरा दोस्त जा रहा है डायरेक्ट बस दिल्ली से शिमला में। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। तो चलो चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर रस्ते में। तेरा मन करो ना तो उतर जियो बस से, लिफ्टों में चले गए। चलो चल बंदा है। ये मेरा दोस्त निखिल, स्पेशली मुझे दिल्ली से बाहर ड्रॉप करने आया था। थैंक यू निखिल भाई। ठीक है मेरे भाई। ओ तेरी विली मार रहा लड़का, ये आ गया भाई मेरे पे। अब लिफ्ट मांगनी शुरू करते। ये मिली है हमें पहली लिफ्ट छोटा हाथी भाई का। कैसे भाई? भाई ने देखो कैसे जुगाड़ करवाया। ये देखो मेरा बैग पड़ा है, और ये तो बैग के जो वो रॉकेट लॉन्चर है वो खिड़की से बाहर। अभी मैं पहुंच गया हूँ पानीपत। पानीपत से थोड़ा आगे छोड़ा है भैया ने, बट अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। 3 बज गए और बहुत लेट हो चुके। स्टिल आई एम टेकिंग लिफ्ट। बस शिमला में पता नहीं कब पहुंचूंगा भैया। लिफ्ट मिलनी बहुत मुश्किल है ब्रो, बट हाँ चलते रहो। अपना सॉल्यूशन वही है, महादेव के सहारे जा रहे हैं। तो भाई लोगों, ये मेरे को लिफ्ट मिली है पानीपत से लेके कागज कुरुक्षेत्र तक। अब हम कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ेंगे दोनों भाई। मेरे घर से मैंने 180 किलोमीटर का ट्रेवल कर लिया है, और यहाँ से अभी टोटल डिस्टेंस जहाँ से मैंने आना था और शिमला तक का है 370 किलोमीटर। अब देखते हैं, आधे रास्ते तो आ चुका हूँ, 4 बज गए। बस फटाफट चलते हैं और तीन दिन में लिफ्ट पकड़ते हैं शिमला के लिए। बाकी देखते हैं क्या चाहेंगे वाले। लव यू ऑल, चलते रहो। ये मिली है लिफ्ट, ये रख दिया सामान। हमारी जीरकपुर तक की लिफ्ट, मैं इसी टेंशन में था भैया, बस जीरकपुर पहुंच जाऊं दिन दिन में ना। थोड़े से 6:25 पर हम पहुंच गए हैं शिमला चंडीगढ़ हाईवे पे। यहां से अगर हमें राइट लिफ्ट मिल गई तो हम शिमला बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, अदरवाइज अपनी वाट लगी पड़ी होगी। हे प्रभु, मिला तो कोई। अब यहाँ तक हमने पहुँचा ही दिया है, जस्ट अंधेरा होने वाला है। तो ये भाई मिले मुझे, ये महादेव के भक्त, जय शंकर। भाई ने खुद रोकी, मैंने हाथ भी नहीं दिया। टोल 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 टोल। ठीक है मेरे भाई, चलो लेट्स गो। अब अंकल शिमला 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 शिमला। ये देखो भाई, ये बंदा मेरे लिए लिफ्ट मांग रहा है। प्यार देख रहे हो भाई का? ट्रिपली मार दे। कोई ना भाई, मैं चलता हूँ, मेरे बैग देख के दे देंगे। हम पहुंच गए चंबा घाट, सोलन से 5-6 किलोमीटर आ गए। लिफ्ट मांग रहे हैं रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड स्लो जाती है और रात को कोई आगे रोकेगा नहीं, तो थोड़ा लाइटिश में रहना भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को दिखता रहे। सर लेफ्ट। अभी हम अमेजोन की डिलीवरी ट्रक में डिलीवर हो रहे हैं शिमला। वेलकम टू शिमला ब्रदर्स। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। थैंक यू जितेंद्र भाई की जय हो। ये लो ब्रदर, हेलमेट पहन लेते भाई। अभी तक तो हमें हेलमेट की जरूरत नहीं थी, इतनी बाइकों की लिफ्ट लेके आया हूँ, यही टॉप पे मेरा हेलमेट था। सच में? सबने मिला हेलमेट के लिए। चल ब्रो, चल आज तू चलो। तो हम निकल पड़े अब अपने घर के लिए। पधारो मारे दे। हाँ जी भाई जी, भाई जी पहुंच रहे 12 बजे। दिल्ली शिमला सुपरफास्ट में आए थे आप? यस। हमने भाई को बोला भाई दिल्ली सुपर फास्ट में आ जाओ। भाई लेट कहाँ हो गई है भाई? खाना खाने में। तो बस अब सो दे और मिलते हैं आपको कल, क्योंकि अब स्लीप भी बहुत जरूरी है।
तो ये होने जा रहा है हमारा आज का ट्रैक स्टार्ट। अभी है हम शिमला में लक्कड़ बाजार पे और यहाँ से अभी निकलेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, ये रथ निकल चुका है, इसको छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड पे, फिर आएगा लेने। जप्पी वाले गिर जाएगा, जप्पी वहां गिरेगा। तो फाइनली दो भाई हमने चढ़ा दिया बस में, वो पहुंचेंगे सोलन और हम उनको मिलेंगे सोलन पे। हमारा डे टू का टारगेट है नौराधार पहुंचना, जहां से चूड़धार की यात्रा शुरू होती है। सोलन 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 भाई, हेलो भाई, कैसे हो? अबे अबे तो पूरा दूर जा रहे हैं। ये अभी हम रख रहे हैं सामान बस में सारा, ये चढ़ गए हैं बस में। नौराधार नौराधार नौराधार, इधर से देखो, इधर से शुरू हो गए। ये सारा हमने कब जा लिया, किसी के लिए जगह नहीं बची। और हम जाने वाले हैं उस बाइक में। चल चले भाई फिर, चलो ठीक है भैया, मिलते हैं। तो सोलन बस स्टैंड को हमने छोड़ दिया है, अब हम निकल रहे हैं आगे। ये है राजगढ़ मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, खुला है सारा। सामने लिखा हुआ है नौराधार 27 किलोमीटर। क्या बात है जी, हम पकड़े? बड़े प्यारे लग रहे हो आप। इस बार चूड़दार में बर्फ है कम है थोड़ी, है ना? ठीक है अंकल, मिलते हैं नौराधार में। जय शंकर, चूड़दार चूड़दार चूड़दार। ये देखो भाई, पहाड़ों की राइडिंग, ये आराम से आके टांगे फैला के बैठे और हम पीछे लटक के बैठे हुए। ये देखो, जय बोले। With me here, you'll never be lonely. It's all so clear. जैन सर, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। ये देखो, ये बैग सारे ये दो भाई लेके आए बस में। अब हम कितने बजे पहुंचे? हम पहुंचे हैं 5:20 पे। लो लो अंकल, यार सिर दर्द कर जाएगा। इसको भी डाल दो अंदर, इसको इस लड़के को। अच्छा अच्छा। अंकल बोल रहे किसको डालू। अभी हम नौराधार तो पहुंच चुके हैं, बट हम बर्तन ढूंढ रहे हैं। हमारा बर्तन रह गया शिमला में, तो यहाँ नीचे को बोलना शॉप। ठीक है, मटर पनीर हो गया भैया, बनाते भी दे देते यार। आप तो सूखा सूखा दे रहे हो। चलो ठीक है, आप लगाते हैं कैंप। तो अभी हमारा टाइम हो गया 7:00 और आज ऊपर जाना हमें सही नहीं लगा, क्योंकि हमने सोचा नीचे सारा हम अपना काम कर लेंगे, मतलब चार्जिंग चूर्जिंग फुल करके जाएंगे कल के लिए। तो बस अब कैंप लगा रहे हैं, बता दो भाई। और ये लगी हमारी आग। ये रात के बज रहे 12:01 बज रहे अराउंड, और हम घूम रहे हैं यहाँ पे अकेले, वाइफ ले रहे और दूसरे को अकेला छोड़ के आए। वो बंदा बोलता, ये देखो भाई यहाँ पे आके नौराधार खत्म हो चुका है, इससे आगे भैया उड़ते ही है फिर। अब भाई मेरी टांग कहाँ है? मेरी टांग खोगी। एक दो रख दो इसके ऊपर। यार ये देखो जी, शिवरात्रि की यात्रा शुरू हो रही है और भैरव ने हमें दर्शन दे दिए सुबह सुबह। हाँ बेटे, अपना ही घर समझो, ठीक है, इस लड़के को पारी कर दो। चलो तो महादेव के जयकारे के साथ चलो चल रहे। ये मेरा भाई पीछे चल रहे और बचा देता भाई। जैसे ही आप नौराधार से अपनी यात्रा शुरू करोगे, तो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर सीधी खड़ी चढ़ाई है, तो आप अपनी स्पीड थोड़ी मेंटेन रखना, जिससे आपको ज्यादा थकावट ना हो और आप इजीली पहुंच जाओ। हेलो कद्दू, हेलो कद्दू, आए हाय हाय भाई, बच्चे रो रहे, बच्चे रो दिया मैंने,
बेटा मैं भूत थोड़ी ना हूँ। है बेटे, हाँ मेरे आंटी नहीं बड़े बेटे, मैं इंसान आपके जैसा ही हूँ। ठीक है आंटी जी, जय शंकर जी। चलो चूड़दार शिवरात्रि। आंटी आप तो जवान लग रहे हो, आजो। है आंटी आप तो आजो। आंटी मेरे हाथ जोड़ो, भेज चले जा यार। ठीक है आंटी। दिस इज द की पॉइंट, यहाँ पर आके नौरा दार आपको दिख जाएगा, आपको परे का सारा व्यू दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। ये है हट, यहाँ पे आप आराम कर सकते हो। जहाँ पे आपको हट दिखाना, समझ आओ अब आपकी जिंदगी आसान होने वाली है, बिकॉज यही तक ज्यादा चढ़ना था, स्टीप था। तो आरती ओ भैरो बा, ये क्या चल रहा है ब्रो ब्रो ब्रो? अच्छा लो सॉरी भैरो। आपको ट्रैक के बारे में बताना चाहूंगा, नौलाधार से दूसरी पड़ता है 6 किलोमीटर, दूसरी से तीसरी पड़ता है 6 किलोमीटर, तीसरी से महादेव पड़ता है 6 किलोमीटर, तो टोटल पड़ता है 18 किलोमीटर। तो वैसे 18 किलोमीटर का ट्रैक है। आज हम या तो दूसरी या फिर तीसरी पर रुक रहे तो पहुंच जाएंगे, तो या तो 6 होगा या 12 होगा, है ना मेरे भाई? यस। या फिर कोई ऐसी जगह ढूंढने था, कोई कैम्प नहीं लगा था। और ये आ रही है हमारी टीम। यो कमांडो, हाउ द जॉय, हाय मारे निकालो शंकर, शंकर चल दे रहो और आगे बढ़ दे रहो, महादेव के पास पहुंचना है, शिवरात्रि बनानी है ना हमें, है ना भाई? तो ये हम लोग जा रहे हैं गुफा में, इसके ऊपर देखो आप पूरी चट्टान है, बड़ा पत्थर। ओ भाई साहब, ये हमारा हथियार, इसको लेके हम अंदर जा रहे हैं। लेट्स गो बारिश, चलो भाई चलो, आपको वर्चुअल ट्रिप पे लेके जाते हैं गुफा में। तो जैसे ही मैंने गुफा के अंदर जाना शुरू किया तो पता चला ब्रो ये गुफा बहुत ज्यादा टाइट है और एक टाइम पे एक पर्सन ही घुस सकता है, वो भी बिल्कुल चिपक कर। अंदर जाते ही मुझे मकड़ियाँ दिखी बहुत सारी, और ये आप देख सकते हो बैठने की जगह कुछ भी नहीं है। पीछे दोस्त भी आने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसको बोल रहा भाई रुक जा। ये देखिए कितना ज़्यादा टाइट था, अंदर आवाज़ भी नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा बंद था। थोड़ा आगे चलते ही हमें गुफा का दिखा डेड एंड, जहाँ पे गुफा समाप्त हो गई थी और हमने किया सेलिब्रेट, जय हो, और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर जो है महादेव। तो चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस पॉइंट पर हम पहुंच गए थे दूसरी, जो 6 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका था, और यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया अपने 6 किलोमीटर का ट्रैक। और बस अब मैं ये बता रहा था इस पॉइंट पे कि भाई 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर लिया है, अभी हमें 6 किलोमीटर और आगे जाना है। 6 किलोमीटर करने में हमें टाइम लगा, बट अगला 6 किलोमीटर हमें चुटकों में पहुँच जाएंगे, तो बस हम निकल पड़े ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तीसरी की ओर। ये दूसरी और तीसरी के बीच में आएगा बहुत प्यारा फ्लावर है, यहाँ से नहीं चढ़े तो रास्ता नहीं जिया ब्रो। जय जंगल, आसपास ही चल रहे हम। हेलो गाइस, तो पीते हैं पानी, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है ब्रो। तो कैसा लगा भैया पानी? टेस्टी और ठंडा, टेस्टी और ठंडा। प्रजा में बोल दिया जाए, ताड़ियों का रब किया जाए। ओ हमारा मन ही नहीं कर रहा भाई, इतना अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं भाई, जय शंकर। क्या बोला की इतनी बर्फ है भाई आगे? बहुत बर्फ है, बड़े खुली है, रिस्क है। बड़ा बहुत रिस्क है, जाएगा मौत दिखती है ऊपर से। और हवा ही चल रही है, वही क्या बंदे बोल रहे हैं, थप्पड़ हो गए, थप्पड़ हवा के, तो थप्पड़ हो गए ऊपर। वापस चले जाओ, हम तो वापसी आ गए हैं। कुछ नहीं है बड़े, कुछ सुविधा नहीं है ऊपर, सुविधा नहीं है। एक चीज कहूंगा भाई, फिर भाई का भी समिट पे पहुंचना जरूरी नहीं होता, जर्नी इम्पोर्टेंट है। सुनो यहाँ तक पहुंचे भाई बड़ी बात है,
हाँ भाई जिनकी तूफान भाई मान करके हले भी यार केड़े लाल करके सोचना जब अकेले के डुलदा यार मेरे यार थारे आश कर दे सोचिया जब अकेले के बार नहीं सुल प्यारी बत्ती मेरे कोल चार नहीं आज आज पिंदी हुन देख बार ते चंडीगढ़ दे यार मुंडे मेरे नाल दे पार पार ते पोले वाला माल पी के देख नाल दे गड्डी ऐसे नहीं बनाते गड्डी पार दे आज सोचना जब अकेले केस बार ने जय बोले जय शंकर किलर ब्रो किलर। आखिरकार हम तीसरी पहुंच गए हैं, हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तीसरी के सनसेट के साथ हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई और उसके बाद ये जन्नत वाले नजारों को अपने आंखों में कैप्चर करने लगे। उसको करते ही हमने अपना कैंप सेटअप किया और फटाफट से आग लगाई और उसके बाद बर्फ को पिघलाने में लग गए बिकॉज हमें खाना बनाना था और उसके लिए चाहिए था हमें पानी। जैसे ही बर्फ पानी में कन्वर्ट हुई तो उसके बाद हमने फटाफट खाना बनाया और खाने में बनाया हमने मटर पनीर वाले पुलाव। उसको खाते ही हम चले गए अपने कैंप। गुड नाइट जी। गुड नाइट ब्रदर। गुड नाइट मेरे भाई। हाँ वीरे। गुड नाइट। हाँ वीर। जय करा वीर बजरंगे। हाय हाय बादे। ओ पैजो। तादा जय हो। शिवरात्रि बना रहे और सब मेन बात है आज हमने व्रत भी रखा हुआ है तो आज बस सब उनके ऊपर आज पूरा दिन उनको नचावा है हमारा फटाफट चल दे और अब जन्नत शुरू होने वाली है। लेट्स गो वारिस। ये आप देख सकते हो छोटा सा पैच है यहाँ से नीचे बिल्कुल डाउन और ये और इधर बिल्कुल खड्डा है बर्फ के अंदर। बस अब इस पैच से निकलना है, जिसने ये पैच क्रॉस कर लिया उसके बाद यहाँ से खुला शुरू हो जाएगा। Feel it sinking in. Lonely faces say you need a friend. अब आपको अंकु भाई आर्मी वाले भाई दिखाने वाले कि स्टिक कितनी अंदर जा रही है। देखो ये पूरी अंदर और भी डूब जाएगी। वो स्टिक डूब गया अभी भी जगह खत्म नहीं हुई है भैया। ये हम आर्मी वाली लाइफ ही जी रहे ना या ब्रो। अब देख रहे हो ये आर्मी लाइफ और इस लाइफ में मजा अलग है ना। हाँ। ये पूरी खतरनाक वाली लाइफ है। मस्त लाइफ बोले ना बोले रात की लाइफ ना लेते चलो और आगे बढ़ते चलो। महादेव जय शंकर। ये आया है यहाँ का एक स्टीप पैच, अराउंड 100 मीटर का स्टीप पैच है। जिसने ये कर लिया उसके लिए बहुत इजी हो जाता है बाद में। ये हम ले रहे थे जमी हुई पत्थर हुई बर्फ से फेस मसाज, बिकॉज फेस बहुत ज़्यादा जल रहा था तो हमने सोचा थोड़ी मसाज ही ले ली जाए जब इतना अच्छा पत्थर मिला। ओ चलते रहो हमारे भाई नाश्ते में। ये महादेव के प्यार में नाश्ता बनना। हैप्पी शिवरात्रि साहब। हमारा आज का ट्रैक रहेगा 6 किलोमीटर का। जब भी आपको एक ऐसा पैच मिल रहा हो कि जिसमें सिर्फ पैर रखने की जगह है, हमेशा टेढ़ा पैर प्रेफर करो बिकॉज अदरवाइज गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हो गए। ऑलवेज टेढ़ा पैर एडी को अंदर डालना है लाइक दिस और ग्रिप बना के चलना है। ये हमारे रास्ते ऐसे बन रहे हैं, रास्ते तो नीचे से थे और पहाड़ के टॉप से आते तो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों में से बड़े बड़े सिपाही निकलते हैं, उन सिपाहियों में से हमारा भाई भी है। क्या ब्रदर जयशंकर। ये है शिवनगरी का राजा भैरव और शिवनगरी का राजा देख रहे हैं अपनी नगरी को, खुली नगरी है। नमः शिवाय। हे शंभू। हे शंभू। हे महादेव। हे भारत माता की। भाई आर्मी वाले से भारत माता की जय बुलवाने में ना स्वाद ही अलग होता है।
हाँ मेरे भाई क्या हुआ? मेरा शूज बर्फ के अंदर चला गया। बाहर निकल रहे बस सारे काम घुसा दिए। जूता बिरादर जूता मिल गया। गिल्ला हो गया। ये अपना भाई है, अपना भाई है। ये देखो अब हम दोनों यहाँ से कूदेंगे वहाँ। ओके हाँ, चल कूदे। कम ऑन मैन, लेट्स प्ले। आजा बच्चे। वो बैठे हमारे महादेव। ये देखो इधर भी शिवलिंग लगता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना स्लिपरी है ये पहाड़। ये देखिए ये हमारे लव भाई का दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया है। तो पहुंच चुके हैं ऊपर की ओर। ये हम अपनी परछाई के साथ चले। दोनों साइड खाई है, इस साइड भी देखो नीचे पूरी खाई है, बिल्कुल डाउन, और इस साइड भी पूरी खाई है। पर क्या करे, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, चढ़ना तो है ही, मैं आया था इसके लिए। वरना वैसे रास्ता नीचे से है, पर महादेव से मिलना था। हाँ हाँ, ये यहाँ का शिवलिंग। जय हो। ये देखो ये होती है वाइफ, दिल खुश होना, दिल की तृप्ति होना बोलते हैं इसको। अपने आप हाथ खड़े हो जाते हैं, अपने आप सिर झुक जाते हैं, बस महादेव देखते हैं। उसको मालूम नहीं है क्या हो रहा है पीछे से, वीडियो बन रही है क्या है, बट दिस इज द रियल इमोशन। जय शंकर दोस्तों। तो आखिरकार ये लास्ट पेड़ से पाँच छे और पहुंच गया। दो दो घरों बैठे हुए। हेलो दोस्तों, चलो आओ। ये देखो अंदर नहीं आ रहे, तो चलो आओ चलते। ये रहे हमारे महादेव। जैसे ही मैंने महादेव की मूर्ति देखी 12,000 फीट पर, बस मैं उनके चरणों में पड़ गया और आई लव यू बोलने लगा। उसको करते ही हमने महादेव के श्रृंगार में लग गए, क्योंकि महाशिवरात्रि जो थी, सबसे पहले हमने बेलपत्र चढ़ाया महादेव को, उसके बाद थोड़ा शहद, शहद के बाद हमने थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया क्योंकि महादेव को साफ भी तो करना था, उसके बाद चंदन तो जरूरी है ना लगाना, और थोड़ा सिंदूर महादेव के ऊपर छिड़क कर हमने उनको थोड़ा राजा वाली फीलिंग दे दी। बस महादेव हम सबको खुश रखे, सबकी विशेष पूरे हो, और सब जल्दी जल्दी चूड़दार है विश में, और लोगों को भी अपने साथ ला सकते। जय शंकर, लव यू महादेव। एक गुफा है, गुफा नहीं बस तीन दो लोग आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल मंदिर के शिवलिंग जो ऊपर है उसके साथ में नीचे बनी हुई है। यहाँ पर भी मेरा सोने का बहुत मन है एक बार। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है अंदर जाने की, बट अभी हम बनाएंगे। ये देखिए जी, जय शंकर। ये देखिए जी अंदर ऐसा है कुछ, और ये बैठे हमारे महादेव जी। मैं कितनी बार आया मैं कभी देख नहीं पाया। यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, ये शिवलिंग पूरा प्रॉपर शिवलिंग है महादेव का, साथ में निशान, ऊपर भी पीछे गुफा है, लोगों ने चूड़ियाँ रखी हुई है यहाँ पे। अरे पूरी गुफा ऐसी है कि दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। मैंने इस गुफा के बारे में सुना तो था, बट मैंने देखी नहीं थी। मैं हर बार यही सोचता था आना है आना है, काश में स्लीपिंग बैग लाया होता, लिटरली काश में स्लीपिंग बैग लाया होता, मैं पक्का यही लेट था, यही बैठ जाता। दो बंदे तो आराम से लेट सकते हैं यहाँ पे, देखता है कैसा रहता है। महादेव जब बुलाएगा नेक्स्ट टाइम पक्का डैम श्योर विदाउट कैप ट्रैक करने वाला पूरा चूड़दार। Yeah!
आफ्टर इफेक्ट भाई वाला लव यू भाई लव यू ब्रो अबे साले मैंने कपड़े नहीं डाले बड़ी जोर से उतर ले भाई लव यू भाई बस ऐसे खुश रहो भाई कितना है 12,000 फीट पे हम टी शर्ट लेस होकर घूम रहे हैं यही होता है जब आप महादेव से प्यार करते हो आपको कुछ नहीं समझ आता बस आप जिंदगी जीते हो सही बात है हाय हाय महादेव ठीक है महादेव चलते हैं फिर हम बस महादेव को बाय बाय करते करते हम नीचे के लिए निकल गए और हम पूरी स्लाइडें मारते हुए ऐश करते हुए नीचे आते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्यारे नज़ारे देखने को मिले और ये खूबसूरत सनसेट पहुंच गए अपने पॉइंट पे पानी लेने के लिए तो चलो फटाफट भरते पानी आ जाए तेज भाई पानी पीने के बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें रात को सोना कहाँ पर है हमारे माइंड में आया ये जो गुफा है यहाँ पर सोया जाए सबसे पहले हमने आग लगाने का प्रबंध किया क्योंकि आग सबसे जरूरी है ये आप देख सकते हो गुफा कहाँ पर है हमारी आग लग चुकी है और हम बैठकर प्रॉपर आग सेक रहे हैं और अपने पैर गर्म कर रहे हैं फिर हमने किया अपना डिनर और सोने से पहले हमने चाय पी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पर भाई को सुला दिया है ये बैग बुक पूरे सेट करके साइड में लगा दिया गुफा में पीछे गुफा पूरी खाली है 8-9 लोग आराम से सो सकते हैं तो बस अभी सोते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अगले एपिसोड में हम फिर से दोबारा ऊपर चढ़ने वाले हैं और मूर्ति के नीचे सोने वाले हैं हर महादेव